इन ट्राइंगल ओ आर एन, राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ आर एन, बोलो पाइथागोरस थ्योरम, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले अपन वो तो निकाल लेते हैं, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस, सो आर एन इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, आर एस की वैल्यू कितनी थी बेटा 12, तो 6 सेंटीमीटर, रीजन वही क्या था भाई, रीजन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोण, बाइसेक्ट द कोण, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोण, बाइसेक्ट द कोण, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोण, बाइसेक्ट द कोण. Now in triangle ORN, in triangle ORN, बोलो पाइथागोरस थ्योरम, OR square, ON square, OR है आपका 10 का square, 6 का square plus ON square, ये आ गया 100 equal to 36 plus ON square. ओ एन स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 64, तो ओ एन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और मुझे दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब एम एन निकालना, हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब क्या निकालना बेटा, एम एन, तो एम एन हो गया भाई ओ एम प्लस ओ एम, कितना आया था 6 8 14 centimeters. So the distance between these two parallel chord is 14 centimeters. आ गया. तो ये तो एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई जो कल से कर रहे हैं अपन. चलिए नेक्स्ट लिखो लिखो बेटा जल्दी लिखो, बातें नहीं बातें नहीं. Thank you.
क्या है ये
ये वाली माया
चलिए भाई नेक्स्ट लिखिए। बेटा ये दोनों लिखो भैया, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 30 मीटर, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 30 मीटर सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 30 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलम, is situated in a colon, three boys Ankur, Sayed and David, three boys Ankur, Sayed and David are sitting at equal distances on its boundary each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of string of each phone. Find the length of string of each phone. वो तो पहले पढ़ाया था जबकि बात। अब देखो इसको कैसे करेंगे समझिए। पहले लिख लीजिए questions. A circular radius of circular park of radius 30 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayed and David are sitting at equal distances on its boundary. Each having a toy telephone in his hands. Find the length of the string. अब देखो इसमें क्या है, एक आपका सर्कुलर बाउंड्री है, समझना। यहां पर अंकुर बैठा हुआ है, यहां सैयद है और ये डेविड है। इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है AS arc is equal to SD arc is equal to AD arc. इक्वल डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, मतलब AS arc इक्वल टू SD arc इक्वल टू AD arc, इनको मिला दो और हमें पता है यदि arc congruent है, congruent लिखो, ये इक्वल मत करो, congruent, यदि आर्क congruent है तो लेंथ भी इक्वल होती है, इसका मतलब इनकी कोर्ड लेंथ इक्वल होगी, AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, ये बताया था अपन ने, बताया था congruent arc have chord, ठीक है, if the arc are congruent then the chord will be of equal length, तो इसका मतलब so therefore triangle AST is an equilateral triangle,
इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए एस डी कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां तक कोई दिक्कत? लिख लीजिए, ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ही बात, क्योंकि तीनों लेंथ इक्वल है तो सेम लेंथ। वैसे तो डी ए लिखेगा, डी ए लिख दो, ए डी लिख दो, बात बराबर है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा रेडियस कितना था भाई? 30 मीटर। देखो इधर, ये रेडियस है 30 मीटर, ये सेंटर। सपोज मैं मान लेता हूं ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू, अच्छा ये भी 30 है, ये भी 30 है बेटा। अब एक प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं, लेट ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स। मैंने एक्स मान लिया, लेंथ क्या मान ली? एक्स मान ली। ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू एक्स, इनको x मान लिया। अब बेटा एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि आपकी ये लेंथ है, इधर समझना बेटा, ये लेंथ हमेशा किस रेशो में होती है? किसी को पता है? 2:1 में होती है। बिल्कुल सही है, OA अपॉन OM, इनका रेशो कितना होता है बेटा? 2:1। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, OA टू OM इक्वल टू 2:1। OA कितना है आपका? 30, OM तो OM आ गया आपका 30/2, कितना आ गया OM? 15 सेंटीमीटर, OM आ गया 15 सेंटीमीटर। लिख लीजिए भाई, OM का लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गया। इसमें कोई दिक्कत ओ एम तक? ओ एम इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि सर्कल के अंदर है तो ये हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है भाई, ये हमेशा किस रेशो में होता है? 2:1 में होता है। अब देखो इधर आगे, नाउ OM इज परपेंडिकुलर टू एस डी, सो देयरफॉर SM इक्वल टू एस डी बाई टू, एक्स बाई टू। SM किसके इक्वल हो गया? एक्स बाई टू। क्या है इसका रीजन? परपेंडिकुलर टू द सेंटर टू अ कोण, परपेंडिकुलर टू अ सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोण, फ्रॉम द सेंटर टू अ कोण बाइसेक्ट द कोण। बाइसेक्ट द कोण, इसलिए वो आपका x बाई टू हो गया, इसलिए वो
एक्स बाई टू होगी। तो इसका लेंथ x by 2 हो गया। अब इन ट्राइंगल OSM, बेटा SM की लेंथ में निकाल लूंगा ट्राइंगल OSM में पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल OSM, इन ट्राइंगल OSM, OS स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। OS की वैल्यू 30, OM की वैल्यू 15 प्लस SM स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900, 15 का स्क्वायर 225 प्लस SM स्क्वायर। तो SM स्क्वायर हो गया 900 माइनस 225, कितना हुआ 675। तो SM आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 675। कुछ कॉमन आ रहा है कि इसके फैक्टर करना भाई 675 के, जैसे मैंने 3 से किया 3 2 6 3 2 6, ठीक है। ये तो 3 into 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15√3 सेंटीमीटर। ये हमारा SM की लेंथ आ गई 15√3 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, इसका 20√3 के साथ है। अच्छा इसने मैंने क्या लिखवाया था, रेडियस क्या लिखवाई थी 30 मीटर लिखवाई थी, कोई दिक्कत सही है। उसने 20 ले रखी ना, इसलिए 15 आ गया। सो देयरफॉर SD इक्वल टू x इक्वल टू 2 SM, तो 2 into 15√3। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, so therefore length of string is 30√3 centimeter. Length of string equal to 30√3 centimeter. So this is the length of string. Length of string equal to 30√3 centimeter. ये length of string है। अब पूरा problem समझ में आया कि दोबारा repeat करना है? आगे हाँ, तो एक बार लिख लो पहले, फिर मैं समझाऊंगा वापस। हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई हुई 30√3 सेंटीमीटर। तुम एक काम करो, दोबारा कनेक्ट भी कर लो, फिर दोबारा समझा देता हूं।